राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी लोगों को राम राम। आज का विषय मां सीता के बारे में कुछ बहुत विलक्षण बातें। आज का विषय राजा दशरथ जी द्वारा श्री राम को सिंहासन देने का विचार। आज का विषय सिंहासन श्री राम जी को क्यों नहीं मिलता। आज का विषय वनवास। आज का विषय केकई की लीला थी या एक स्वार्थ में डूबी हुई माँ का कथन था। आज का विषय निषाद राज की बातें, निषाद राज और प्रभु श्री राम का संबंध और उस नौका का संबंध। निषाद राज जी और प्रभु राम जी से क्या था जिसके लिए निषाद राज ये कहते हैं कि कहीं ये अहिल्या ना बन जाए, अहिल्या की तरह ये स्त्री ना बन जाए, मेरा क्या होगा। ये सारी बातें आज समेटनी है और इन बातों के साथ मैं जहां से आज विषय प्रारंभ कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। पहले वो विषय लेता हूं, एक प्रश्न है वह लेता हूं दिनेश जी का और एक डी सिंह जी का, और उसके बाद फिर मैं कक्षा में प्रवेश करूंगा। प्रश्न लेने से पहले दो तीन छोटे छोटे निवेदन हैं। निवेदन यह है कि जब हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं कक्षा के रूप में तो हमारा जो नजरिया है वो बहुत साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक नजरिए का मतलब क्या है, एक सिस्टम। साइंस में एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ स्टडी, जिसको वेद मानता है। ठीक, तो विज्ञ से विज्ञान बना है, विज्ञ धातु से विज्ञान बना है। सो एक ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है और वहां पर इतिहास प्रमुख होता है, भाव गौड़ होता है। देखिए बहुत कम लोग हैं जो अध्यात्म का अध्ययन करते हैं, जो धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, वो भाव और ज्ञान में बहुत मुश्किल से संतुलन बना पाते हैं। व्यक्ति या तो भाव की तरफ चला जाता है, भक्ति जिसे वो कहता है, और या फिर वो ज्ञान की तरफ चला जाता है। लेकिन भाव और ज्ञान दोनों का समन्वय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन इसके बिना भक्ति नहीं होती। कोरी भावुकता को भक्ति नहीं समझना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्र में और विशेषकर रामायण में क्या होता है कि एक है रामायण, ये कम प्रचलित है, महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में चूंकि इसे लिखा है और इसमें भाव पक्ष बहुत कम है और इसमें श्री राम जी के साथ साथ अन्य लोगों का भी एक चरित्र चित्रण है और वो चरित्र चित्रण इतिहास की दृष्टि से है, यानी जो जैसा है वैसा ही वर्णन किया जाएगा। जबकि रामचरितमानस में प्रभु जी को केंद्र में रखा गया है, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं और उसमें भावोक्तियां हैं, उसको हम इतिहास नहीं कह सकते। अब बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों में कौन सा प्रमुख है, ये तो निर्णय नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो कम ऋषि का कार्य हो, चाहे वो रामायण हो वाल्मीकि कृत, चाहे वो गोसाई कृत रामचरितमानस हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो बाकी 297 किस्म के रामायण हैं कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन विषय को समझने की दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए और जब हम महर्षि वाल्मीकि को पढ़ें तो घालमेल ना करें, यानी उस वक्त में हम गोसाई जी को नहीं कोट करें या उनके माध्यम से महर्षि को समझने का प्रयत्न नहीं करें, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी और ये गड़बड़ हम लोग बहुत करते हैं। क-
कक्षा में एक और चीज का ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे जो प्रश्न लोगों के आते हैं वो क्या आते हैं, वो दे जंप ओवर द इवेंट्स। जैसे अभी यह तो भीम का महाभारत में तो वो था, तो इस तरीके से हम अगर कंपैरिजन करना शुरू करेंगे या इश्यूज को जंप करना शुरू करेंगे तो 5-6 साल में भी जाकर धर्मशास्त्र पूर्ण नहीं होगा। तो अभी आधार बनाना है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कक्षा में जो होती है वो यह है कि पहली रीडिंग हमेशा बेसिक रीडिंग होती है। तो अभी जो कक्षा है ये बेसिक रीडिंग है, उन लोगों के लिए है, उन लोग जो विद्वान तो हैं लेकिन उन्होंने कभी भी रामायण का अध्ययन नहीं किया है, वह जिज्ञासु भी हैं, भक्त भी हैं, सनातन संस्कृति के लिए कार्य भी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी है, वो मेरी आर्मी के सदस्य भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु श्री राम को या उस समाज को समझा पढ़ा नहीं है। और यदि समझा भी है तो वो कैसे, भजनों के माध्यम से, जो कि सत्य का उल्लेख करे यह निश्चित नहीं है। वह एक दर्शन का उल्लेख कर सकते हैं लेकिन सत्य का उल्लेख करे, घटनाओं की सत्यता के हिसाब से भजन बनाए, यह बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रारंभिक जो कक्षा होती है वो एक बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें हम अगर इवेंट्स को जंप ओवर करेंगे कि अगर मान लीजिए अहिल्या का है यहाँ पर तो दक्षिण में तो ये है, तो इंडोनेशिया में तो ये है, महाभारत में तो ये हुआ, तो मौर्य काल में तो ये हुआ, हम एकदम टॉपसी टर्वी तरीके से यदि पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। उन लोगों की समझ में आ सकता है जो विद्वान है, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो अभी चीज़ों को पढ़ना समझना शुरू कर रहे हैं। हमेशा एक द्वंद्व रहता है, भक्ति बनाम ज्ञान, जबकि मैंने ये पाया इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। ज्ञान पक्ष मजबूत करने के बाद भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं और वह आपको भक्ति की तरफ ले जाते हैं। बस चेष्टाएं पवित्र हों, प्रबल हों, सतत हों। मैं आज की बातचीत शुरू कर रहा हूं और जो प्रश्न हैं इन दोनों महानुभावों के जिनके मैंने नाम लिए, मैं उनके प्रश्न, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, मैं जब जैसा होगा वो मैं लेता रहूंगा। हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं देवता कौन है, देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, ठीक है ना। शिव जी के तीन रूप हैं, लिंग स्वरूप अलग है, वेद स्वरूप अलग है, महादेव रूप अलग है, ठीक है ना। तो देवता अलग शब्द है, और देवता ही नहीं, देव और देवता में भी अंतर है। जैसे अभी जो प्रश्न आया उसमें वायु देव के ऊपर वह प्रश्न था, और वायु देव का पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। देखिए, हम लोगों के यहाँ सत्य को महाकाव्य रूप में ही लिखा गया है, सत्य के साथ छेड़छाड़ का ही नहीं है ऋषि वाल्मीकि का जहाँ तक सवाल है। बाकी क्षेपक और प्रक्षिप्त है वो साफ समझ में आ जाते हैं, भाषा की दृष्टि से भी और इवेंट की दृष्टि से भी वो स्पष्ट समझ में आता है कि ये जबरदस्ती बाद में लगाया गया है या भाव पक्ष की वजह से लगा दिया गया है, लेकिन ये मूल टेक्स्ट नहीं है। देवता का जो अर्थ है वो समझने की कोशिश आप करिए। मैं नृत्य की दृष्टि से देवता को बताने की कोशिश करूंगा। जो देव हैं, देव कौन है, विशिष्ट शक्तियों के स्वामी पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पुल्लिंग रूप में भी है, देवी हो जाएगा तो वह स्त्रीलिंग में भी है, जिनके पास बहुत विशिष्ट शक्तियाँ हैं वह देव हैं। और जब इसमें तल प्रत्यय लगा देते हैं तो यह बन जाता है देवता। देवता का मतलब क्या है, केवल शक्ति, मैं मनुष्य और मेरी शक्ति हूं घूंसा वाला ये, या मैं मनुष्य ये मेरी गाड़ी लेकिन गाड़ी की शक्ति हॉर्स पावर, तो ये शक्ति को देवता कहते हैं। तो जहां हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार की शक्तियों वाले लोग, 33 प्रकार के शक्ति वाले देव लोग, ठीक है ना, देव लोग कहा है, लोक नहीं कहा है, देव लोक ही सुनेंगे आप हमेशा, देवता लोक नहीं सुनेंगे। तो वह शक्ति को
चाहे वो वायु की शक्ति हो, पृथ्वी की शक्ति हो, अग्नि की शक्ति हो, इस प्रकार की समस्त शक्ति को देवता कह रहे हैं। और समस्त शक्तियों को देने वाले लोगों को, प्रदान करने वाले लोगों को देव कह रहे हैं। तो देवता को एक सामान्य रूप से आज की भाषा के अनुसार हम इसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, यानी वो लोग जिनके पास कुछ देने की शक्ति है। लेकिन वायु व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, ठीक है। ये पौराणिक संस्कृत भाषा के ही हिसाब से इसका प्रयोग हुआ है। ये मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ जिसे सब लोग समझ जाएं। विशिष्ट विद्वान और विदुषी लोग को इससे अधिक समझने की ज़रूरत होती है, ये तो उनके लिए बेसिक चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को समझाने के लिए कृत संकल्प हूँ जिन्होंने कभी अध्ययन ही नहीं किया है, जो कभी समझे ही नहीं है, विशेषकर युवाओं को। तो आप इसको गहराई से समझिए। तो जो देता है वह देवता है, ठीक। जो शक्ति है, जो दे रहा है, सॉरी, जो दे रहा है वह देव है और उसकी शक्ति देवता है। या जो चमकता है वह भी देवता कहलाता है, जैसे चंद्र देवता, सूर्य देवता। कुछ लोग वह इतने विद्वान और शक्तिमान हो जाते हैं, दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं, उन लोगों को भी देव की संज्ञा दी गई है। जैसे अग्निदेव नाम में बृहस्पति देव, ठीक है ना, शुक्रदेव हैं ये व्यक्ति, फिर बने ऋषि और फिर अदम्य गुण उनके अंदर उत्पन्न हुए जिसकी वजह से ये देव हुए, वामदेव। तो आपकी समझ में आ रहा है, देवता यानी पावर टू गिव, यह देवता है। अब इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसका पुरुषकरण किया गया है, वो एक साहित्य की दृष्टि से तो ठीक है, आपको पर्दे पर दिखाना है उस दृष्टि से ठीक है, आपको पुस्तक में इलस्ट्रेशंस के रूप में दिखाना है उस दृष्टि से तो वह ठीक है, मजबूरियां भी हैं। लेकिन समझने की दृष्टि से आप गुण को ही समझिए। तो वायु गुण है। जब हम हनुमान जी के लिए वायु पुत्र का प्रयोग करते हैं तो उस गुण का पुत्र, वह मानस पुत्र है उनके, वह उनके शरीर का हिस्सा नहीं है। हनुमान जी की माता जी का नाम तो अंजना ही है ना, और पिताजी का नाम क्या है, केसरी, केसरी नंदन कहते ना, तो अंजनी पुत्र है, केसरी नंदन है। वायु के गुण है उनके अंदर, उनकी वायु सधी हुई है, कुपित नहीं है, और वो जिस गति से चलते हैं, और मैं पुनः कह रहा हूं, मैं हनुमान जी की चर्चा भी नहीं करूंगा, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा किसी प्रश्न से। हनुमान जी का जब वृतांत आएगा तब मैं हनुमान जी की बात करूंगा, हनुमत शक्ति क्या है मैं उसकी बात तब करूंगा। और चूंकि मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं इसलिए मैं भाव पक्ष को इग्नोर कर रहा हूं। एक चीज और कही श्री दिनेश जी ने कि अहिल्यावाला, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि अहिल्या जी का आपने जो वर्णन सुना वो शायद रामचरितमानस से आदि हैं, और बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिसको जब आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे या आयुर्वेद की दृष्टि से या योग की दृष्टि से देखेंगे तो आश्चर्यचकित भी रहेंगे, परेशानी भी होगी। मैं भी बहुत परेशान रहा, वायु तो देव हैं तो हनुमान जी के तो फिर कोई फादर ही नहीं हुए, ऐसा मैं भी सोचता था। भीम जी, अरे अच्छा, मैं भी सोचता था, लेकिन वह सच्चाई नहीं है। तो जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और अहिल्या का जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर अभी देता हूँ। अहिल्या के प्रश्न में आपने ये कहा था कि अहिल्या को आपने कहा था पता था इंद्र के बारे में, नहीं, ये फॉलसी ऑफ स्टेटमेंट है, मैंने नहीं कहा था। इतिहास में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो यहाँ लिखा है वही मैं कहूँगा। 48वां सर्ग है बालकांड का, और 17 से 19 ये श्लोक संख्या है, इसके बीच में वो बात लिखी है जो श्री महर्षि वाल्मीकि ने कही, मैंने नहीं कही, मैंने उसे पढ़ के सुनाया। और वो क्या है, हम ऐसे ही फॉलसी ऑफ स्टेटमेंट्स अक्सर करते हैं,
तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, वो क्या कहते हैं, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, ये इंद्र बोल रहे हैं, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। माँ अहिल्या क्या कहती हैं, रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने कहा, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इंप्रेस हो गई, क्योंकि देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, देखिए देवता राज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र हाँ, उनके राजा वो मुझे चाहते हैं। इम्प्रेशन, ये आजकल भी बहुत होता है स्त्रियों में या लड़कियों में, सच अ बिग सेलिब्रिटी सुर, सच अ रिच पर्सन, सच अ हैंडसम बॉय, ही लव्स मी। वो लव थोड़ी है। तो इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था कोई 20-25 वर्ष पूर्व, मैं भी बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया कि वह तो इतनी विदुषी है तो ऐसा क्यों। समय के साथ साथ लेकिन चीजें समझ में आती हैं, मनुष्य है, मनुष्य है तो गलती हो सकती है, और गलती है तो पश्चाताप भी है। जो लोग गलतियों को छुपाते हैं वह पापी हैं, जो गलतियों को छुपाते नहीं उसको स्वीकार करके अपराध बोध से पश्चाताप करते हैं वह हीन मनुष्य नहीं है। उन्होंने पश्चाताप किया। अब बहुत सारे लोगों ने यह भी प्रश्न किया है कि वो फिर पत्थर कैसे होगी। मैंने इतना तो विश्वास से वर्णन किया, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कक्षा में जब बैठें तो अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसी से ढूंढने की कोशिश करें। हमें सोशल मीडिया आलसी विद्यार्थी बना रहा है और आलसी विद्यार्थियों को कभी भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, जिज्ञासा शांत नहीं होती। क्योंकि जैसे एक बच्चे ने क्या कहा, हमें ये पुस्तकें कहाँ से मिलेंगी, आप इन्हें मंगा दीजिए, इनके लिंक भेज दीजिए, क्यों, आप मेहनत कीजिए। तो सोशल मीडिया हमें बहुत आलसी बना रहा है, ये डेंजरस है, क्योंकि इससे IQ लेवल कम होगा। आप खुद ढूंढिए, आप बार बार सुनिए उसको, सुनते तो समझ में आता। मैंने कहा पत्थर नहीं, पत्थर जैसे, उदाहरण देता हूं कि जब किसी स्त्री को पता चलता है कि अभी तो उनके पति उनके घर से गए थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे हो जाती है, कई दिनों तक न खाती है न पीती है। ये पत्थर जैसी संग दिल, इसे उर्दू शायरी में तुम अपनी प्रियतमा के लिए कहते हैं लोग, संग दिल हो तुम, यानी तुम्हारा दिल पत्थर जैसा है। पत्थर जैसा क्या मतलब, इमोशंस नहीं है। दरअसल क्या हो गया है, अभी हम लोग साहित्य से बहुत कट गए हैं, इसीलिए हमें जो चीजें उपमा और अलंकारों के रूप में सत्य को जैसे कहा जाता है वो समझ नहीं आती। तो उपमा अलंकार ये सत्य की अभिव्यक्ति करे, और जो चीज आपको लगे कि ये सत्य के अभी, जैसे जमीन में समा गए और हजारों किलोमीटर जमीन के नीचे नीचे चले गए, ऐसी चीजों को स्वीकार करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस युग में हुआ होगा, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो हुआ ऐसा हो गया होगा। तो यह आपके लिए, मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, आपकी मर्जी है स्वीकार करें या ना करें, मेरे लिए ये सारी चीजें स्वीकार नहीं है। मैं उनके अर्थ ढूंढने की कोशिश करता रहा और जब अर्थ मिले तो संतोष मिला। तो मैंने नहीं कहा ऋषि वाल्मीकि किस प्रकार से कहते हैं, और ये इसलिए रहा होगा क्योंकि गौतम ऋषि और अहिल्या जी की उम्र में भी बहुत अंतर रहा है, और कोई भी व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो सकता है, मनुष्य हैं हम सब मनुष्य हैं। ऋषि विश्वामित्र के साथ ऐसा नहीं हुआ क्या, हाँ, तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो इसे स्वीकार कीजिए, मैंने भी स्वीकार किया, समझा, समाज की वास्तविकता को समझना पड़ेगा, समाज की व्यवहारिकता को समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ये इसलिए संभव है। किसी ने प्रश्न किया वो खाती क्या थी, वर्णन नहीं आया है इसलिए मैं भी नहीं बता सकता, और मैं अपने मन से कैसे कह दूं वो लौकी खाती थी, अपने मन से कैसे कह दूं वो खीरा खाती थी। इतिहास बता रहा हूं श्री राम के समय का, इतिहास मतलब जैसा लिखा है मुझे वही आपको बताना है, उसमें एक्सप्लेनेशंस में दे सकता हूं, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ये मैं भजन नहीं सुना रहा हूं, ये मैं कोई गीत नहीं लिख रहा हूं,
भजन भजन की तरह से सुनूंगा, लेकिन इतिहास इतिहास की तरह बताऊंगा। एक और चीज में बहुत सारे लोग कालखंड पर प्रश्न कर रहे हैं। कालखंड को समझने के लिए अभी समय है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाऊं, अभी से अगर मैंने कालखंड बता दिया तो हम इश्यूज को जंप इतना करेंगे कि 14 दिनों में या 14 धारावाहिकों में इसे समेटना असंभव हो जाएगा, ये तो साल सवा साल चला जाएगा। इसलिए अभी जो फैक्चुअल पोजीशंस मैं आपको बताता चला जा रहा हूं उसे समझिए, फिर एक दिन मैं धरती के ऊपर बात करूंगा, धरती का जन्म कैसे हुआ वहां से लेकर मैं बात करूंगा आज की तिथि तक, ये निकाली जा सकती है। एक सेकंड का एक लाखवें हिस्से तक का हिसाब ब्रह्मांड के निर्माण में लिया गया है, वो सारी बातें उस समय करिएगा। लेकिन इस समय अभी जो फैक्ट्स हैं रामायण के उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारे लोग एपिसोड नंबर 3 से देख रहे हैं, तो एपिसोड 2 और 1 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया में क्या है, कमेंट बॉक्स में खट से लिख दिया और फिर बार बार कहते रहेंगे, रोज उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। बताइए ना, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ले रहे, आप पहला और दूसरा एपिसोड खुद देखिए, ठीक। जो उसमें जैसे श्री दिनेश जी का ये प्रश्न है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है, मैंने लिया। डी सिंह जी का एक प्रश्न था, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, ये मैंने ले लिया। ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं लेकिन सब नहीं लिए जा सकते। इस भगवान परशुराम जी की भी बात आती है। देखिए ये बात ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पद हैं, बहुत सारे पद हैं जिस पर पुरुषों ने मनुष्यों ने स्त्रियों ने कार्य किया है, एक नहीं। जैसे राजा, सारे क्षत्रिय राजा थोड़ी होते हैं, राजा एक पद है, उस राज में अनेक क्षत्रिय होंगे, उस उन क्षत्रियों में एक व्यक्ति है जो राजा है, फिर उसके ऊपर महाराजा, फिर अश्वमेध यज्ञ करके जो जीता और ये बहुत बड़े क्षेत्र का जो महाराजा हो गया वो सम्राट हो गया, उस ये पद है ना। सारे क्षत्रिय राजा थोड़ी कहलाते हैं, है ना, ये तो सामान्य सा उदाहरण है। तो सारे क्षत्रिय राजा नहीं कहलाते, राजा एक पद है, राजा एक नाम नहीं है, ठीक। इसी तरीके से मैं जो मान रहा हूं वो ये मान रहा हूं, चूंकि लगभग 29-30 पीढ़ियों का अंतर है रामायण में और महाभारत काल में, इतना लंबा समय किसी व्यक्ति की आयु का मिलता नहीं है, उदाहरण में नहीं मिलता है। ये जरूर मिलता है कि विधियां वही रही हैं और उन्हीं विधियों से शिक्षा दी गई है, और आप देखिए 7000 वर्ष पूर्व की भी बहुत सारी परंपराएं आज भी कायम हैं, आज भी कायम हैं। तो उस वक्त में उन्हीं परंपराओं से वही स्कूल ऑफ थॉट रहा होगा जिससे उन्होंने शिक्षा दी होगी, आप नहीं भी इसे मान सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है मेरी बात से संतुष्ट होना, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैंने वो आपको बताया और मैं वही बताऊँगा जो यहाँ लिखा हुआ है। उसमें शुरू में परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि रामचरितमानस बहुत पॉपुलर है और इसकी वजह से लोग, अभी तो जब मैं सीता जी के बारे में और व्याख्याएं करूंगा तो और अजीब अजीब सी चीज़ें आपके निकल के आएंगी, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आप समझेंगे। और ऐसे ही सीखा जाता है, पहले अनलर्न किया जाता है फिर न्यू लर्निंग की जाती है, ठीक है। तो भाव और इतिहास का घालमेल नहीं करना है और रामायण और रामचरितमानस का घालमेल नहीं करना है। आइए अब कक्षा में प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं युधाजित से। युधाजित जो है ये भरत जी के सगे मामा हैं, ये भरत जी को ले जाते हैं, शत्रुघ्न भी वहाँ चले जाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी रह जाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा साये के साथ श्री राम जी के साथ रहते थे। और बड़े आनंद से वहाँ पर समय कट रहा है, मैया सीता वही हैं। अब भरत की माता जी कौन है सबको मालूम है, केकई, ये किस प्रदेश की हैं ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इन्हें कहीं कहीं अनार्य कहा गया है। अब आर्य कौन अनार्य कौन ये बहुत ध्यान से समझने की बात है क्योंकि इस बात ने इतना बड़ा द्वंद्व
इस राष्ट्र में पैदा किया हुआ है जिसकी हद नहीं। मैं फिलहाल यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आर्य विदेशी नहीं है, कहीं बाहर से भारत में नहीं आए हैं। समय जब आएगा तो मैं किसी दिन आर्य पर गहराई से चर्चा करूँगा। अनार्य किसे कहा जाता है जो बहुत एजुकेटेड नहीं है और अभी सभ्यता की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। द्रविड़ कौन है? द्रविड़ वो लोग हैं जो दक्षिण में रह रहे हैं। वनवासी कौन है? वानर कौन है? जो लोग वन में रह रहे हैं। वन में छोटी छोटी नगरीय सभ्यताएं हैं, बहुत छोटी छोटी, जैसे किष्किंधा की पहाड़ियों में है, बहुत छोटी छोटी नगरीय सभ्यताएं हैं। वो जैसे आज होता है, जैसे विलेज है, फिर एक बड़े सिटी के पास के विलेज अलग तरीके के हैं, पहाड़ों के विलेज अलग तरीके के हैं, ठीक इसी तरीके की नगरीय उपनगरीय सभ्यताएं वहां भी हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो ये कैकेय प्रदेश है, ये कैकेय प्रदेश ऐसे समझ लीजिए पेशावर, आज का जो पेशावर है, बड़ा दुख होता है जब भी मैं ये सारी बातें करता हूँ कि हमारे इलाके हैं, हमारे प्रभु राम जी के से जुड़े हुए ये सब इलाके हैं, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। चलिए प्रभु किसी दिन भला करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब जिसे आज हम कहते हैं, तो ये वाला जो है पेशावर से भी और आगे का पार्ट जो है, जिसकी कैपिटल आज जलालपुर है, उस वक्त में इसकी कैपिटल है राजगृह। तो ये जो पार्ट है ये अफगानिस्तान की तरफ जाता हुआ पार्ट है, जो महाभारत के समय में गांधार नाम से जाना जा रहा था। ये केकई वहाँ की हैं, लेकिन केकई बड़ी विदुषी भी हैं, केकई बहुत वीरांगना हैं और राजकाज में माहिर हैं और बहुत सुंदर भी हैं, बहुत विलक्षण भी हैं। इसलिए जो महाराजा दशरथ हैं वो उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। और जब देव असुर संग्राम हो रहा था तो दशरथ जी को बचाने में उनकी महती भूमिका रही थी। वह खुद युद्ध क्षेत्र में गई थी, बड़ी वीर थी, उनके भाई भी बहुत वीर थे। अब होता क्या है, अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व की बड़ी चर्चा की गई है, जो मैंने आपको बताया है, बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रभु श्री राम जी के बारे में लिखा है, ठीक है ना, लिखा है, क्या लिखा है, वह निंदा से दूर रहते हैं, शास्त्र रुद्र बात जब भी होती है वो नहीं बैठते हैं, लेकिन प्रभु राम जी के जो भगत हैं वह निंदा से अगर दूर नहीं रहते तो फिर भगत कैसे हैं, शास्त्र रुद्र बातें नहीं सुनते हैं। कुछ मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए हैं, वो एक कहते ना चूकू मत चौहान तो जहाँ मौका मिले तंज जरूर मार देना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे आप सबको सुधारने का मौका मिलता है। हमारे गुरुजन भी ऐसे ही करते थे, तो उनकी बातें सुन के समझ में आ जाता था ये मेरे लिए कही गई है और हम लोग ठीक होने की कोशिश करते थे, है ना, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते थे इसलिए। तो खैर, उसके बाद वो बहुत शांत रहते थे और प्रभु श्री राम उच्च कोटि के अध्येता हैं, वंडरफुल स्टूडेंट, वेरी स्टूडियस स्टूडेंट अध्येता हैं, उनका शरीर बहुत पुष्ट है, बली है और वह हर एक व्यक्ति को सम्मान देते हैं। हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति, राज्य के लोगों से जाकर सीधे मिलते हैं, भाई ठीक ठाक हैं आप, गुरुजनों से मिलते हैं, आचार्य लोगों से मिलते हैं, आपके शिष्य आपको तकलीफ तो नहीं देते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, आपके बच्चे आपकी केयर तो करते हैं। हाँ, तो उनका जो राम राज्य है उसका आधार क्या है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। तो प्रिंस एंड पीपल दे आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये दिखाता है कि उनकी न्यायप्रियता में वह उनकी तुलना की गई है बृहस्पति देव जैसे हैं, न्यायप्रियता की युक्तियों में वह बृहस्पति देव जैसे हैं, यह उनका ब्रिलियंस है। इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, यानी साधना करते हैं, साधक हैं, उपासक हैं, वो इंद्रियों को वश में रखते हैं, स्थित प्रज्ञ उनको बोला गया है। और एक बहुत बढ़िया बात मुझे लगी जो आप सब लोगों को ना केवल सीखनी है बल्कि अपनी जिंदगी में उसको उतार लेना है। बहुत सारी चीज़ें हमने श्रवण कर ली, कुछ हमने सीख भी ली जिससे हम उनको कहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे भी हमें जाना है, उसे जिंदगी में उतारना है। आय के साधनों को वो बहुत अच्छे से जानते हैं,
ये बात उन्होंने कहती कहते हुए देखिए क्या सुंदर भावोक्ति है कि बात को साहित्यिक रूप में ऐसा प्रस्तुत किया गया है लेकिन कहीं भी सत्य से डिगा नहीं गया है। वो क्या उदाहरण देते हैं महर्षि वाल्मीकि, राम को आय के स्रोतों का गहरा अध्ययन है, ठीक उसी प्रकार से वो आय के स्रोतों का प्रयोग करते हैं जैसे एक भंवरा फूल से पराग चुनता है, रस चुनता है लेकिन फूल को खराब नहीं करता है। क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। और इसका देखिए इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखिए, अभी हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के बाद उसे अपने लिए यूज करके उसे तबाह कर देते हैं। जैसे एक जमीन पर हमने घर बनाया, जमीन वो मेरी नहीं है, जमीन किसकी है, छोटे छोटे कीट पतंगों की है, पेड़ पौधों की है, मिट्टी वो मेरी नहीं है, मुझे उस मिट्टी ने आश्रय दिया है लेकिन मैंने क्या किया, सब में सीमेंट बिछाकर उसे खूबसूरत तो कर दिया, अपने घर को अट्टालिका बना दी और उस मिट्टी को खराब कर दिया, तबाह कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जल का स्तर नीचे चला जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं बूंद बूंद को तरसूंगा और प्यासा तड़प तड़प के मरूंगा। यह होता है मैंने एक्सप्लॉइट कर लिया रिसोर्स को, रिसोर्स को खत्म कर दिया। प्रभु श्री राम ने क्या किया कि वह रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और रिसोर्स को जीवित भी रखते हैं। आहा क्या सुंदर बात है, सच अ ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कि आपने रिसोर्स को खत्म नहीं करना है। हमने गंगा नदी में मान लीजिए बड़े बड़े शिप्स चला दिए, ठीक, गंगा को एक्सप्लॉइट कर लिया, पाथवे बनाकर गंगा में पोल्यूशन डाल के गंगा को तबाह कर दिया। यह चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, एडॉकिज्म क्रिएट हो गया इकोनॉमी के अंदर, तदर्थवाद उत्पन्न हो गया अर्थव्यवस्था के अंदर। और हम बहुत जल्दी तो अमीर हो गए लेकिन उसके बाद हमारा नाश होना तय है। इसे ही कहते हैं बबल्स इन इकोनॉमी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस बात को सुन रहे हों। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रामायण और महाभारत पढ़ते हुए लगता है कि काश ये चीज मैं अपने हुक्मरानों को बता सकूं, काश ये चीज जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, उनको मैं बता सकूं। तो कितनी सुंदर बात है, भंवरे से उदाहरण दिया कि वो फूल को नष्ट किए बिना अपना पेट भरता है। और हम लोग जो राम के लिए लड़ तो मर जाएंगे लेकिन राम की बात नहीं मानेंगे, शायद पता भी नहीं लोगों की भी क्या गलती। आज आपको पता लगा, आज आपका मनन चिंतन शुरू होगा इस बात पर कि मैंने अगर पानी से नहाना है तो व्यवस्था ऐसी करनी है कि पानी मुझे भिगोता हुआ जमीन में चला जाए और रिसाइकल प्रोसेस में आ जाए, बेकार ना चला जाए इधर उधर, ठीक है ना। अभी हमने पानी फर्श पे डाला, फर्श से नाली में गया, नाली से न जाने कहां गया, खत्म हो गया। हमने अपने सरोवर खुद खराब किए, हमने गंगा नदी खुद खराब करी है। अब देखो अच्छी हो गई, नहीं हो गई, लेकिन कितने दिन तक, खुलने दो लॉकडाउन, हम भी तो कमर कस के बैठे हुए लोग हैं ना, खराब करके दम लेंगे। लेकिन कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन वो पूरी जिंदगी बदल देंगे। और सुनिए भगवान श्री राम के बारे में वो फैक्ट्स जो कभी आपने नहीं सुने होंगे। भगवान श्री राम वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हैं, वह गाते बहुत अच्छा है, संगीतज्ञ हैं, ठीक। और सुनिए, वह खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सन। ऐसी थोड़ी भगवान क्या कहा जाता है उन्हें, ऐसी कोई हमारे नाथ थोड़ी हमने मान लिया, केवल दशरथ जी ने आज्ञा दी और वो पुरुषोत्तम हो गए आज्ञा को मान के, केवल इसीलिए ना, उनके अंदर वो विलक्षण गुण हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गायक हैं, वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं और शिल्पकार बहुत अच्छे हैं। एक व्यक्ति के अंदर जरा आप देखते जाइए, एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही है, गुण निकलते चले जा रहे हैं, उनकी खुशबू बहती चली जा रही है, इसीलिए तो हम उन्हें प्रभु कहते हैं, श्री राम कहते हैं, विष्णु जी का अवतार कहते हैं, इसीलिए चरणों में नतमस्तक होते हैं, इसीलिए हम उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। अब समझिए उनकी गहराई को। तो उसके बाद हाथी चलाना जानते, घोड़ा चलाना जानते, पशुओं से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है,
मैं तो ऐसे ही उनको पशुनाथ कह देता हूँ, पशुपतिनाथ नहीं, पशुनाथ। पशुओं को वो नाथ लेते हैं, और कैसे नाथते हैं? क्रूरता से नहीं नाथते हैं, प्रेम से नाथ लेते हैं। पशुनाथ हैं, और अस्त्र शस्त्र चलाने में तो वो माहिर है ही हैं, और उसका मैं अभी वर्णन करूँगा। अस्त्र शस्त्र कौन सा? ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिन्हें दशरथ जी राजा बनाना चाहते हैं। राजा बनाने की एक डेट फिक्स होती है। पुनर्वसु नक्षत्र से जब चंद्रमा पुष्य की तरफ जा रहा है, 4 जनवरी 5089 बिफोर कॉमन एरा की ये बात है। अचानक, क्योंकि उसके बाद ग्रहण की संभावनाएं हैं, ग्रहण पड़ने वाला है दिसंबर में, तो उसके बाद जो है स्थिति खराब हो जाएगी। और वैसे भी राहु और मंगल, क्योंकि हमारे शरीर पर ही लक्षण आते हैं, जो आकाशीय परेशानियां दिखाई देती हैं उसके लक्षण शरीर पर आते हैं, तो राहु मंगल किसी भी व्यक्ति के शुभ कार्य के वेध में आ जाए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं वो शुभ कार्य हो नहीं सकता। तो एक जद्दोजहद हो गई, काल से जद्दोजहद हो गई कि दौड़ लगा रहे हैं महाराज दशरथ कि काल जीते कि मैं जीतूं, कि काल जीते कि मैं जीतूं। मनुष्य लेकिन जीता है कभी काल से। सारी तैयारियां हो गई हैं सुबह को, लेकिन उसके बाद मंथरा पहुंच गई केकई के पास। अब बहुत सारे लोग इसे लीला कहते हैं केकई की, क्योंकि वो कहते हैं केकई को ऑलरेडी सब पता था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता। मंथरा पहुंचती है केकई के पास और वो कहती है कि तू पागल है, तेरी सौत का बेटा अगर राजा बन जाएगा तो तुझे और तेरे बेटे को निकाल देगा, जग हसाई होगी तेरी, और उसे आता ही क्या है, तुम्हारा भरत तो सब कुछ जानता है। अब बहुत देर तक ये बातें चली हैं और केकई के दिमाग में निंदा घुस गई। केकई को भवन में पहुंच गई, दशरथ जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, ये चूंकि घटना सबको पता है इसलिए मैं कट शॉर्ट करके आगे बढ़ रहा हूं, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। बहुत झगड़ा होता है दोनों के बीच में, बड़ा झगड़ा होता है। जब राम जी को यह पता चलता है, पिताजी से कहते हैं, अरे इतनी सी बात, देखिए यह है चरित्र, अरे इतनी सी बात को लेकर आप परेशान हैं? मां नहीं चाहती, मैं जा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, 14 वर्ष बाद मैं आ जाऊंगा। यह है चरित्र, बड़ा कठिन है इस चरित्र का पालन कर पाना किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी शक्ति, तजी दी लो, इसमें क्या बात है, मैं जा रहा हूं, आ जाऊंगा, भरत को दे दो, मेरा भाई तो है। ये उन बेटों को सोचना चाहिए जो माता पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति के ऊपर निर्लज्जों की तरह बंटवारा करते हैं, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। पुत्र या पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, लीगली हो सकता है, मॉरली नहीं है। माता पिता दे दें तो अच्छी बात है, ना दें तो अच्छी बात है, जिसको जो चाहे दे दें, अफसोस कर लीजिए बस, अधिकार मॉरली नहीं है। राम जी ने कितनी बड़ी शिक्षा दी। खैर, उसके बाद हालात बदल जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत डिस्कशन होता है। अगर केकई की ये लीला होती और केकई को यदि सब कुछ पता होता तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। चुपचाप दशरथ से केकई अपने वरदान मांग लेती, बस खत्म हो जाता, इतना सारा ड्रामा क्यों होता। केकई उठ रही हैं, वो सोने का हार दे रही हैं, जैसी मंथरा ने बताया राम जी को तरह उनका राज तिलक होने वाला है, तो वो हार दे देती हैं, इतनी खुशी दिखाती हैं, ये नाटक क्यों करती वो। स्पष्ट था कि उनके मन में पहले पवित्रता थी, मंथरा के चढ़ाने के बाद वो पवित्रता समाप्त तो हो गई और वह नहीं चाहती थी उसके बाद कि राम जी राजा बने। कोई लीला वगैरह नहीं थी, उन्हें थोड़ी पता था राम जी कहाँ जाएंगे, कौन से वन में वनवास होगा, ये कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये तो हम अपने भाव से कह सकते हैं, अब जो इसको मानते हों वो भी ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद 5 जनवरी का वो समय आता है जब श्री राम जी चल देते हैं कि मैं जा रहा हूं। स्तब्ध है पूरा महल, कौशल्या माँ तो बेहोश हो जा रही है और वो कह रही है मुझे भी ले चल, अल्टीमेटली वो कह रही है मुझे भी ले चल।
वो यहां तक कह रही हैं कि मैं तिनका चबा के रह लूंगी लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकती मैं महल में, मुझे नहीं चाहिए कोई सुख। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस अवस्था में कहां जाएंगे, दूसरा वनवास मुझे मिला है, मैं जाऊंगा और आप पिताजी की देखभाल कीजिए। और पिताजी के पास जाते हैं, अरे क्यों तनाव ले रहे हैं, सब ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी कहते हैं नहीं मेरी आज्ञा भी है, मत जा ना। ये आज्ञा आप भाव के बंधन से दे रहे हैं, आपकी प्रमुख आज्ञा वही है, मैं उसी को मानूंगा, मेरे सिर माथे। और माँ के कई से भी मिलने जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, माँ सुमित्रा से मिलते हैं, लक्ष्मण जी सामने आ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कभी अलग रहे हैं, हम लोग कभी अलग रहे हैं क्या? और जब हम लोग कभी अलग नहीं रहे, सुख में नहीं रहे, दुख में कैसे रह सकते हैं? मैं तो आपका साया हूं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। रामचंद्र जी ने कहा कि वनवास तो मुझे हुआ है, मैं और आप अलग कहां हैं? गुस्से में बेहाल हो रहे हैं वो, एकदम भयंकर उन्हें गुस्सा आ रहा है, और यहां तक पटक के मार दो किसको, कैकेयी को, षड्यंत्रकारी। लक्ष्मण जी को बहुत जल्द और बहुत तेज गुस्सा आता था, प्रभु श्री राम को गुस्सा नहीं आता था। तो पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये बहुत गलत चीज है और मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता, मैं आपके साथ जाऊंगा। और नहीं तो मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। श्री राम जी बोले अच्छा भाई चलो। अब श्री राम जी माँ सीता से मिलने जाते हैं और ये संवाद आपको सुनना चाहिए, मैं बड़े भाव से इसे आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इसे सुनिए। 27वां सर्ग है अयोध्या कांड का। प्रभु श्री राम सीता माँ के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हम जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की उम्र उस वक्त 25 वर्ष की है जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं। तुम यहाँ रहो आराम से और मेरे माता पिता की देखभाल करना। माँ सीता बिफर जाती हैं, मैंने कहा ना उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि बस वो हर वक्त घूंघट की ओट में ही चले जा रही हैं राम जी के पीछे पीछे ना। वीरांगना है, विदुषी है, राम जी से क्या कहती है, नर श्रेष्ठ श्री राम। और उसमें ये श्लोक वन में स्पष्ट है, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, नर श्रेष्ठ श्री राम आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। श्री राम पता नहीं इसमें लिखा नहीं है लेकिन हतप्रभ तो जरूर रह गए होंगे ये सुनने के बाद। वैसे श्री राम जी को ये पता है कि माँ सीता हैं कौन और उनका क्या प्रताप है। आगे वो कहते हैं, नरेश्वर आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। डांट रही है प्रभु श्री राम को, कैसी बात कर रहे हो, जो इतना ज्ञानी और वीर व्यक्ति है वह ऐसी हल्की बात क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं जाऊं वन में। उसके बाद और भी वो कहती हैं, आर्यपुत्र और ये सारे लोग सुनो जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में चलता है, सुनो बहुत ध्यान से। आर्यपुत्र पिता माता भाई पुत्र पुत्रवधु ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। बड़ी पूजाएं हुई राम की इस देश के अंदर लेकिन संबंधों के मामले में यह पतन की ओर क्यों जा रहा है समाज, इसका सीधा सा अर्थ है हम राम को मानते हैं, राम
की नहीं मानते। ऐसी वो बहुत सारी उलाहना दे रही हैं, बहुत सारी उलाहना दे रही हैं। एक तो यहां पर बड़ी बढ़िया बात कहती हैं, अतावीर आप ईर्ष्या रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। कितना सुंदर उदाहरण यहां पर है। और क्या कहती हैं, रघुनंदन यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके साथ आगे आगे चलूंगी। पति का भी धर्म है, पत्नी का भी धर्म है। सामान्यतः हम पत्नी धर्म की बात करते नहीं, पति धर्म है। और पति अपना धर्म निभाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं तो पत्नी उन्हें डांट रही है, कह रही है मैं भी उन्हें कुचल के जा सकती हूं। ये वीरांगना है, ये वो स्त्री नहीं है कि जरा देर बैठे तो कमर में झटका आ गया, थोड़ी देर नंगे पांव चले तो पांव में छाले पड़ गए, एसी अगर कम हो गया तो गर्मी से चक्कर आ गए। ये वैसे राम जी की पूजा कर रही है ना, सीता की तरह वीरांगना बनी। श्वेत केतु शिष्या सीता कहती मैं भी तो कुश और काटे कुचल के आगे बढ़ जाऊंगी, चिंता क्यों करते हैं, मुझे साथ लेके चलिए। आगे कहती हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना, अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इसका मतलब वो ये सब जानती हैं। और जिस अथॉरिटी से कह रही है इसका मतलब उनसे ये सब आता है, जानती ही नहीं है, करती भी होंगी। इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। यानी ये सारी सिद्धियां विद्या अलग है। आगे गुस्से में चढ़ के कह रही हैं, मुझे किसके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है, इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इंप्रेसिव आग्रह है इसे, ये दुराग्रह नहीं है। एक अच्छे उद्देश्य के लिए अग्रेशन आक्रामकता भी आग्रह की श्रेणी में आती है, और एक बुरे उद्देश्य के लिए विनम्रता भी दुराग्रह की श्रेणी में आती है, दुराग्रह नहीं। जीवन साथी केवल सुख के साथी नहीं है, सुख दुख के साथी हैं। लड़के भी सुने और लड़कियां भी सुने। तो वो कह रही है कि संबंध कैसे निभाने हैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम, मैं चल रही हूं बस। जैसे अपने पिता के घर में रहती थी, देखो लड़की के लिए उसके पिता का घर, माता का घर, उसका मायका, ये सबसे अहम जगह होती है और सब की तुलना वो उसी से करती है। तो जैसे मैं अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास कर लूंगी। कंपैरिजन देखिए, ये होती है वीरांगना स्त्री, लेकिन सभ्य, लेकिन रिश्तों के प्रति कमिटमेंट, राजकुमारी है, लेकिन सोच डाउन टू अर्थ होना। 10-15 हजार रुपए कमाते हैं लोग, उसके ऊपर इतना दंभ करते हैं, वो तो राजकुमारी है। उसका पिता सम्राट, उसका ससुर सम्राट, पति स्वयं प्रभु श्री राम, क्या कमी रही होगी उनके पास, कितने सुख सुविधाओं में पली बड़ी हैं वो। और इसमें महानता किसकी है, मां सीता से भी ज्यादा महानता उनके माता पिता की है, उन्होंने उनको संस्कार दिए, उनके गुरु की है, उन्होंने वह संस्कार दिए। मां सीता ने उन संस्कारों को अपनाया, उनको माना, अपनी जिंदगी में उतारा, कितने प्रसन्न होंगे उनके गुरु और माता पिता जब वो इस प्रकार की बातें कर रही होंगी। तो इस प्रकार से अब देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रभु श्री राम, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, प्रभु श्री राम मां सीता से बहुत प्रेम करते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह उनको खुद
उसके बाद वन के वस्त्र वलकल आदि देते हैं। प्रभु श्री राम ऐसा नहीं कि उनके बिना रह लेते, लेकिन वह दुख ना पाए इसलिए उनको वन नहीं लेके जा रहे हैं, अपने सुख की कामना के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। उनके लिए तो अच्छा माँ सीता भोजन पकाती, लेकिन मैं कुछ भी खा लूंगा लेकिन मेरी सीता को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये वाक्य मेरा याद रखिएगा, क्योंकि इस वाक्य के आधार पर मैं अग्नि परीक्षा की बात करूंगा। और समाज में बहुत सारे परंपराएं ऐसी बन गई हैं, उन्हें टूटना चाहिए। युग बदल रहा है, सोच वही होनी चाहिए जो प्रभु ने बताई थी, जिसमें बीच में अनेक विसंगतियां आ गई, लेकिन हम इसीलिए महर्षि दयानंद जब कहते हैं बैक टू वेदास, इसलिए जब हमारे गुरु पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसीलिए काली माँ के उपासक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब कहते हैं धर्म शास्त्र को समझने की कोशिश करो, उसमें जो बीच में प्रक्षिप्त हैं, क्षेपक हैं, वो छोड़ो। धर्मशास्त्र एकदम व्यवहारिक ज्ञान देता है, समाज को जोड़ के चलता है, ये तोड़ के नहीं चलता है। बस इसके शब्द को हम नहीं समझ पाते। आगे चलते हैं और देखिए यहां पर कितनी खूबसूरत बात। एक पत्नी क्या कर रही है, अपने पति को आग में झोंक रही है के कई, और दूसरी पत्नी क्या कर रही है, पति की आग में खुद को झोंक रही है। क्या बात है, देखिए ये चरित्र है, दोनों एक ही काल के लोग हैं, चारों ये एक ही जगह रहने वाले लोग हैं। सोच में बड़ा परिवर्तन है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप व्यक्ति के बारे में सोचें तो बहुत गहराई से और व्यवहारिकता से सोचें। आपने देखा होगा कि मैंने ये तो आपको बताया, माँ अनुसुईया स्वयं पथ भटक गई थी, लेकिन मैंने उन्हें माँ ही कहा, क्योंकि एक कारण से, केवल एक कारण से उनके भूत और वर्तमान और भविष्य सब पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकते। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन पश्चाताप करने वाला व्यक्ति सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर निकल जाता है। जो गलती को छुपाता है वह अधम है, वह असुर है, वह राक्षस है, और उसका भगवान जो चाहे वो करे। आगे बढ़ते हैं कक्षा में। अब तीनों लोग जो चले हैं, प्रभु श्री राम से उनका जो समाज है, राज्य है, नगर है, लोग हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? सड़क पर चल रहे हैं, बच्चे से पूछेंगे। जी हाँ, ये कंपल्शन है। उस दौर के राजकुमारों का, सामंतों का, राजाओं का ये कंपल्शन है, ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि सूर्य जब अस्ताचल की ओर चलने लगे तो वह अच्छे वस्त्र धारण करके सड़कों पर निकल के प्रजा का हालचाल पूछेंगे, और रात में भेष बदल के प्रजा का हालचाल पूछेंगे। यह है भारत में। ठीक है, इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल किंगशिप थी भारत के अंदर। अब आप एक नाम निकाल के कह देंगे ये तो बेकार था, 7,000 साल का समाज है ये साहब, 10% भी उसमें क्या वेटेज नहीं देंगे आप गलतियों की संभावनाओं के लिए? इतनी एक्यूरेसी वहां चाहिए, अपने जीवन में ले आओ। तो खैर आगे बढ़ते हैं। वेदश्रुति नदी को पार करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं, वहां आती है गोमती, और फिर गोमती को पार करते हैं, फिर उसके बाद एक वो कांड आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसको लेके आप सभी लोगों में बहुत उत्सुकता है, और वह है निषाद राज गुह। निषाद राज गुह वो क्या कहते हैं, पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर, बीच में बहुत बड़ी गंगा नदी है, समुद्र सरीखी ये शब्द है, रही होगी अभी भी, देखिए ना
बनारस में काशी में कितना बड़ा पाठ है, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी का कितना बड़ा पाठ है। तो श्रृंगवेरपुर में जो निषाद नगरी है उसका राजा है गुहा। ये जो गुहा है ये प्रभु श्री राम का मित्र है। इक्वालिटी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए मित्र कौन है, किसके गले लगते हैं प्रभु श्री राम, निषाद राज के नौका चलाने वाले कम्युनिटी का हेड, मत्स्य पालन करने वाली कम्युनिटी का हेड। जो लोग प्रभु श्री राम पर कीचड़ उछाल देते हैं मिनट में, और उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं जो उछलने देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। बस एक चीज पकड़ ली शंभूक जो कि है भी नहीं, उसको लेकर वो एक नैरेटिव कायम किए पड़े हैं पिछले लगभग 70 सालों से। और मैं सच में बड़ा दुखी होता हूं राम भक्तों से जब वो उसका जवाब भी नहीं देते। इसीलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि जब आप उत्तर देंगे तर्क से तो वहां आपका भाव नहीं चलेगा, क्योंकि वह दुश्मन है, वो भगत लोग नहीं है। भक्त के साथ भाव की बात होती है, और जहां संस्कृति के लिए खड़ा होना होता है वहां भाव नहीं, वहां तर्क चलता है, फिर शास्त्र चलता है, पहले शास्त्र चलता है, नहीं कोई मानेगा तो शास्त्र चलेगा। ये पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। आप में से आप कुछ कहेंगे, आप तो आध्यात्मिक गुरु हैं और आप शास्त्र की बात कर रहे हैं। अरे मैं क्या बात करूं, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं, इतिहास में ऐसा होता है। और अगर ये ज्यादा आपको कहना है तो आप ऋषि अगस्त से कहना, ऋषि भार्गव से कहना, है ना, और ऋषि द्रोणाचार्य से कहना, मुझसे मत कहो। आगे बताता हूं। तो बड़ा ये बलवान और बहुत विख्यात राजा हैं निषाद राज, अपने स्वभाव की वजह से। मैं ये बात बहुत खास कारण से बता रहा हूं। और एक भजन वो जरूर याद रखिएगा, श्री अनूप जलोटा जी ने गाया है, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ठीक है ना, इस भजन को कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और इस संवाद को इस प्रकार से दिखाया गया है कि जब प्रभु श्री राम नाव में बैठने जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है, ना ना ना, मेरी नाव में मत चढ़ना। क्यों? अरे आपके पैर के अंगूठे से छूकर पत्थर अहिल्या बन गया, मेरी नौका भी अगर स्त्री बन गई तो क्या होगा मेरा रोजी रोटी का। लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है, ये भावोक्ति है, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप पढ़ चुके हैं प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ उनके पांव छुए थे, पढ़ चुके हैं ना। और वाल्मीकि रामायण में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और एक चीज मैं और बताता हूं, ये भी लोग दोष देते हैं प्रभु श्री राम पे कि वो आखेट करते थे और नॉनवेज खाते थे इसलिए मारीच के पीछे भागे। इसका उत्तर मैं दूंगा, उन लोगों के मुंह पर ताला डालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस एक बाकी तो आप लोग अब हैं, हम लोग अब फौजी हो ही चुके हैं सब लोग, संस्कृति के फौजी है ना, जो पढ़कर लिखकर अपनी बात कहेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको लगे हाथ बता दूं कि आप से यूथ अवेकनिंग मिशन के लोग जो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यूथ अवेकनिंग मिशन के लोग आपसे संपर्क करेंगे, वहाँ क्लासेस होती हैं, सब निःशुल्क हैं। बस एक ही शुल्क है कि आपको अपने जीवन में बहुत त्याग करना होगा और इस देश की संस्कृति को समझकर इसके लिए खड़ा होना होगा, और वो भी कैसे, प्यार से, बुद्धि से, तर्क से। बस लेकिन ये करना तो पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि सभी कायर हैं, कुछ हैं वीर जो मुझे मिलेंगे।
तो क्या बात है ये देखिए, वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ, प्रभु श्री राम कह रहे हैं गुहू से, जब गुहू कहते हैं मैं आपके लिए सुंदर उत्तम भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तो प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं फल मूल का आहार करता हूँ। नॉन वेज कहाँ से आ गया उसमें, अपने मन से कुछ भी। और ठीक है, जो लोग नहीं जानते आप उनसे कुछ भी कह देंगे वो चुप होकर बैठ जाएंगे, मुझ जैसे थोड़ी लोग बैठ जाएंगे चुप होकर, हमें तो पता है सच्चाई क्या है। और हमें यह भी पता है आप क्यों ऐसी बातें निकाल निकाल के कहते हैं, आप किस राजनीति से प्रेरित हैं हम जानते हैं, लेकिन ये शास्त्रों की बातें हैं, यह राजनीति नहीं, आप प्रेम की बातें करो, सत्य की बात करो, इतिहास की बात करो, दर्शन की बात करो, जुड़ने की बात करो, टूटने और तोड़ने की बात मत करो। नदी किनारे सब सोते हैं और उसके बाद बहुत सामान्य तरीके से सो रहे हैं, बातचीत हो रही है और सिर्फ दो लोगों को श्री राम ने ऑथराइज किया है भोजन बनाने के लिए उनका, जो यही जो फल मूल वाला भोजन है। जल भी वो किसी अन्य के हाथ से नहीं लेंगे, या तो स्वयं, नहीं तो माँ सीता या भाई लक्ष्मण। अब देखिए क्या होता है, लक्ष्मण जी दुखी हैं लेकिन अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं भाई के सामने कि भाई दुखी ना हो जाए, लेकिन भाई का मित्र बड़ा प्रिय होते हैं, बड़े भाई के मित्र तो खास तौर से बड़े प्रिय होते हैं। लक्ष्मण जी निषाद राज के सामने फूट फूट कर रोए हैं, फूट फूट कर रोए, कितना बड़ा अन्याय उनके भाई ने सहा है, सोचिए जरा आप। और किस बात के लिए, गलती नहीं कुछ, और जिस व्यक्ति को वो राजा बनाना चाहती है उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं, नहीं तो गला काट देता अपनी ही माँ का, परशुराम जी की तरह से वह स्टैंड ले लिया होते कुछ ना कुछ, इतना प्यार है चारों में। तो जो नर श्रेष्ठ है उसे किस गलती की सजा दी गई। और जब उन्होंने देखा कि एक कोपीन वलकल पहन लिया है, बस क्या खा रहे हैं, कंदमूल का मतलब सारा भोजन छोड़ दिया है, धरती शयन करना शुरू कर रहा, और रात में कहां सोए हैं, गंगा किनारे, एक छोटी सी ऐसी चीजें ढाल ली बस और उस पर सो गए, और माँ सीता भी वहीं सो गई। सोचिए क्या बीती होगी लक्ष्मण के दिल पर। राम जी तो कोई नहीं, अच्छा है तो बढ़िया, बुरा है तो बढ़िया, वह तो पुरुष श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ है, उन्हें वो तो इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, तो उन पर तो सुख दुख का कोई प्रभाव ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी पे तो है। फूट फूट कर रहे हैं और उस बात को सुनकर और भी रोना आ जाता है। जब निषाद राज पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की, मुझे बस बरगद के पेड़ का दूध दे दो, क्यों, मैं बालों पर लगा लूंगा जिससे बाल मेरे जटा बन जाएंगे, मैं एक सन्यासी हूं, अब मुझे बाल भी नहीं काटने अपने, तो जटा अगर आपके बालों पर कभी बरगद का दूध लग गया तो उसको जड़ से काटने के अलावा और कोई साधन नहीं है, वो एकदम चिपक जाएंगे, जैसे आप देखते होंगे ना साधुओं के, नागा साधुओं के उलझी हुई जटाएं, उस प्रकार से बाल हो जाएंगे। प्रभु श्री राम जी एक्चुअली ये थे, आप देखिए सीरियल में वैसा नहीं दिखाया जा सकता है, सिनेमेटोग्राफिक इश्यूज है, और सबसे बड़ी बात आप ही नहीं देखेंगे, आप ही नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे भगवान को रण क्षेत्र में भी सुंदर सजीले और नाना प्रकार के जेवरात पहने हुए बैठ कर देखने की आदत हो गई है ना, लेकिन प्रभु श्री राम ने बरगद का पेड़ लगा लिया है, बरगद के पेड़ का दूध लगा दिया है, अब बाल जटाएं बन जाएंगे, बस इतना मांगा और कहा कि एक नौका दे दीजिए जिससे मैं गंगा नदी पार कर जाऊं। खैर सबकी आंखें भर आई, सुमंत जी को बड़ी मुश्किल से भेजा कि मेरे पिता का ख्याल रखिएगा, नगरवासी भीड़ की भीड़ उमड़ी पड़ी और ऐसे विलाप कर रहे थे सड़क पर गिर गिर के, लोग बहुत प्यार करते थे उनसे,
और इस रूप में देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बिल्कुल दूर चला जाना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा आप यहाँ रहिए 14 साल, नहीं मैं बहुत दूर यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये लोग नियमित रूप से मेरे पास आते रहेंगे। फिर मेरा वनागमन क्या हुआ, वनवास ही क्या हुआ, फिर देखिए, फिर वो बैठ के वहाँ से भागे। और ऐसा नहीं कि वो व्यथित नहीं है, बहुत व्यथित हैं। इतना प्यार था प्रजा को उनसे, सिर्फ पटक पटक के रो, कई दिनों तक लोगों के घर में प्रकाश नहीं हुआ, खाना नहीं बना। लौट तो आए मजबूरी में, क्योंकि गंगा नदी बीच में थी। अब वो नाव पर बैठते हैं, जैसी नाव आती है और उसमें कर्णधार एक होता है, नाव को जो गाइड करता है, बड़ी नाव थी, जो गाइड करता है वो कर्णधार होता है, उसका नाम, उसको कहते हैं कर्णधार। और बाकी लोग होते हैं जो खेते हैं नाव, खेवट बोलते हैं, कि केवट कहते हैं, अभी मल्लाह भी कहते हैं। तो वह उसमें एक वर्णन आता है कि राम जी कहते हैं कि चलो सामान रखो नाव में, और सामान में क्या रखा जाता है, अस्त्र शस्त्र। इसका मतलब जब वो वन में जा रहे हैं तो उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि वो बाकायदा लोडिंग की जाती है उसकी नाव में। और उसके बाद कर्णधार और कुछ केवटों के साथ वो नदी पार करने के लिए चल देते हैं। और माँ सीता बैठी हुई हैं और प्रभु श्री राम उनका मन लगा रहे हैं, देखो कितने सुंदर फूल हैं, देखो कितनी बढ़िया नदी है। और जो ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया था वो सारी चीज़ें वो माँ सीता को एक्सप्लेन कर रहे हैं। माँ सीता भी समझ रही है कि ये मेरा मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से वनवास प्रारंभ हो जाता है। तो आपने देखा वो जो नौका अंगूठा से छू जाएगी, और ये सिर्फ भाव है, असलियत नहीं है। किसी युग में नहीं हुआ कि पदार्थ बदल जाए, सूक्ष्म एथेरिक बॉडी में ये पॉसिबल है, लेकिन कोई मूल पदार्थ हो, मूल पदार्थ ऊष्मा आदि के बिना परिवर्तित होकर कुछ स्त्री या पुरुष या मनुष्य के रूप में बन गया, ये नहीं होता। अब आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आप मेरी इस बात से आहत से हो रहे हैं, या ये आपको परेशानी हो रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है। बस इससे ज़्यादा और कुछ लिखते ही नहीं है वाल्मीकि ऋषि की। बस सब लोगों ने वो नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग देवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करते हुए वो जा रहे हैं। तो आज की जो कक्षा थी, बहुत सारा ज्ञान भी है, श्री राम जी का ज्ञान है, श्री राम सीता जी का, माँ सीता जी का ज्ञान है, निषाद राज के बारे में पता चला, उस नौका के बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, प्रभु श्री राम का रास्ता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे कल। तब तक प्रभु श्री राम आपका कल्याण करें, इस कामना के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।